जी अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं मुश्तदनी की लत में दोबारा मुलव्वत हो गया हूँ, हालांकि काफ़ी देर से बचा हुआ था। बहरहाल रोज़े की हालत में इन्होंने ये काम किया और इंजाल को रोका, लेकिन पेशाब के वक्त मनी के ख़तरे निकले जैसे महसूस हुआ, तो अब इनके ऊपर क्या हुक्म होगा? भाई देखिए, असल चीज़ ये है कि मादे का अपनी जगह से हट जाना है, खारिज हो जाना है, यानी जोश से निकले और इंसान जो है ठंडा पड़ जाए। अब उसको ज़बरदस्ती रोके रखे, ये रखे, इसका हुक्म नहीं होगा। उनके रोज़े का फसाद लाजिम आएगा, जमहूर कबीर उलमा का यही कौल है। सिर्फ इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने इससे इख्तलाफ़ किया है, इमाम इब्न हज़म ने इख्तलाफ़ किया और मुताखरीन में बाद लोगों ने इख्तलाफ़ किया है, लेकिन असल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के जो बुनियादी चीज़ें बताई हैं जिसमें रुकने से, उसमें से खाना पीना और शहवत है। आप जानते हैं मुश्तदनी से शहवत का इंजाल होना, ये शहवत का तमाम इतमाम है, ये शहवत का इतमाम है। सिर्फ जो है बोसा लेना या इस तरीके से, ये इब्तदाई मरहला इतमाम है। लिहाजा असल ये है कि उससे भी रोज़ा टूट जाता है। हमारे भाई को अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए, खुसन अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, है कि नहीं? बहुत मजबूरी है उनके लिए, तो रात अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि नहीं है? एक मजबूरी, यानी वो मजायद की सूरत नहीं कहता, उसके अलावा जो है और क्या करें कि वो तनहा रहने से अपने आप को बचाएं, तनहा रहने से अपने आप को बचाएं, इसलिए कि तनहाई में ये सारी चीज़ें इंसान के ऊपर इसका जोर हुआ करता है। जी सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त व अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरुस्त मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।